रेंज भी तो ग्रुप ऑफ डेफिनेट नंबर्स ही है उसका वैल्यू मोर मोदेन ज़ीरो क्यों संस्कार ने पूछा है बट संस्कार इफ़ uh, तो ये बोल रहा है कि इसका ज़ीरो आपने लिख दिया तो इसका ज़ीरो आपने क्यों नहीं लिखा ये भी तो एक डेफिनेट वैल्यूज़ है बट ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ है ना तो एक जब आप बोल रहे हो कि एक रेंज आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज हैपनिंग तो वो तो हो ही सकते ऑब्वियसली वो कैसे जीरो होगा वो तो नॉन जीरो होगा ना मे बी वेरी स्मॉल नंबर बट ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो रेंज ऑफ वैल्यूज है ना एक सिंगल नंबर तो बहुत ही छोटा प्रोबेबिलिटी थ्रो करेगा विच विल भी ज़ीरो ओनली ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो ओनली अब जैसे हम लोगों ने पी डी एफ करा है वैसे ही हम लोग करेंगे क्यूमलेटिव लिखो cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसे सीडीएफ हमने किया था क्यूमुलेटिव ठीक है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है इज वॉट एफ नाउ अगेन आप लोग बोलोगे कंटिन्यूस केस में दिस इज सेम एज राइटिंग प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लिख दो या लेस देन एक्स लिख दो जैसे अभी हमने दिखाया कि ये दोनों सेम ही है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन हम लोग सी डी एफ को हमेशा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स ही लिखते हैं ऑल्दो इन केस ऑफ कंटिन्यूस इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस आप लेस दैन एक्स लिखो या लेस दैन इक्वल टू एक्स लिखो इट्स द सेम बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन हम लोग इक्वल टू एक्स ही लिखते हैं ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू नाउ अगेन आपका एफ वाई वन बाई एट वाई ये था पी डी एफ फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई बिटवीन जीरो से फोर अब अगर इसका मैं बोलू सॉल्व सॉल्व द सी डी एफ सी डी एफ इज वॉट दिस इज द सी डी एफ तो अगर मेरे को यहां पे वाई का निकालना है लेट्स राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ वाई ओनली तो प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू वाई आप लिखोगे हाँ अब ये वाई कैन बी एनी नंबर बिटवीन जीरो एंड फोर तो इसका एक जैसे पी डी एफ़ डेंसिटी फंक्शन आपने बनाया इन टर्म्स ऑफ वाई वैसे मुझे सी डी एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए तो उसके लिए हम लोग इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है वाई लेस जन इक्वल टू वाई का तो ये हम बोल सकते हैं क्योंकि वाई का रेंज इज बिटवीन जीरो तो आप एक लिख दो इधर वाई क्योंकि हम ये सपोज ये टू होता तो आप यहाँ टू लिखते आप थ्री है तो थ्री वाई है तो वाई लिख रहे हैं ठीक है एंड दिस इज जीरो वन बाई एट वाई डी वाई ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सब वाई लिखा है सो वॉट वी इंस्टेट डू इज इस वाई के जगह पे हम लोग कोई भी दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं ताकि वो इजी हो जाए सॉल्व करने में टी ले लेंगे अगर सेम थिंग वन बाय एट वाई डी वाई लिखो बट यहां पे भी वाई है तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आप वन बाय एट डी डी टी लिख सकते हो या वन बाय एट एक्स डी एक्स लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो करेक्ट है बोलो तो अब इसको सॉल्व कर लो चलो क्या आएगा वन बाय एट टी स्क्वायर बाय टू जीरो से ये टू बाहर ले लो वाई स्क्वायर माइनस जीरो सी डी एफ Is this, yes? ठीक है अब ये क्लियर है हम लोग क्या बोल रहे थे पी डी एफ एफ वाई इज इक्वल टू वन बाई एट वाई फॉर बाय बिटवीन जीरो एंड फोर अदरवाइज एफ वाई विल बी जीरो फॉर ऑल दी अदर वैल्यूज ठीक है ना तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ माइनस वन क्या क्या निकालोगे जीरो है ना माइन क्योंकि आपका वैल्यूज डिफाइंड क्या है या फिर जीरो अदरवाइज है ना तो ये जीरो ही होगा ना माइनस वन मतलब आप क्या बोल रहे हो इंटीग्रेशन माइनस वन से कहाँ मतलब जीरो से तो नीचे जा ही नहीं सकता सिमिलरली इफ आई आस्क यू नहीं क्यों ये प्रोबेबिलिटी नहीं है नंबर है नंबर कैन बी नेगेटिव मैं बोलती अगर दिस रेंज इज़ बिटवीन वाई का रेंज इज बिटवीन माइनस वन एंड ज़ीरो तो हो सकता है है हाँ ना नंबर नेगेटिव जा सकता है प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं जा सकता तो ये वाला भी ज़ीरो आर यू श्योर एब्सोल्युटली ये वन होगा जीरो नहीं होगा आप बोल रहे हो वाई लेस दिन इक्वल टू फाइव मतलब आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो जीरो से फाइव जीरो से फाइव लिखो या जीरो से फोर लिखो आपका आंसर सेम आएगा मतलब जीरो से फाइव लिख नहीं सकते बट इट इज सेम ना दिस इज एक्चुअली सेम एज राइटिंग लेस इक्वल टू फोर दिस इज जीरो वाई बिकॉज ज़ीरो के नीचे नहीं जा सकते इसमें आप कैसे करोगे क्या आप इंटीग्रेट हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं ना इधर तो क्या आप ज़ीरो से माइनस वन कर सकते हो नहीं कर सकते हो माइनस वन के नीचे कोई वैल्यूज़ पॉसिबल है ही नहीं वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ पॉसिबल है ज़ीरो एंड फोर के बीच में तो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ से यहाँ आपके वैल्यूज़ पॉसिबल हैं फॉर अ नंबर माइनस वन लेस देन दिस इज ज़ीरो नॉट पॉसिबल फ़ॉर अ नंबर फाइव इसके नीचे सेम एज इसके नीचे यस क्लियर, अंडरस्टूड यस और नो सो यहाँ पे जब हम लोग सी डी एफ लिखते हैं तो लिखना ऐसे लिखते हैं इज जीरो वेन वाई इज लेस देन जीरो इट इज वन बाई सिक्सटीन जो हमने अभी पिछले पार्ट में सॉल्व किया अदरवाइज इट्स वन फॉर वाई ग्रेटर देन फोर येस और नो डिस्क्रीट में भी तो यही था हम लोग जब ऐसे स्टेपग्राफ बना रहे थे ये ऐसे था ना यहां पर वन इसके ऊपर पूरा वन लास्ट वैल्यू के बाद ऐसे ही था ना सेम केस यहां पे है देख लो ठीक है अब हम लोग क्या बोल रहे हैं हमने डी एफ को इंटीग्रेट किया टू गेट सी डी एफ हमने ये कैसे निकाला हमने पी डी एफ को ये पी डी एफ था हमारा जीरो से वाई एफ वाई डी वाई हमने पी डी एफ को इंटीग्रेट किया टू गेट द डी एफ सिमिलरली अगर हम लोग उल्टा करें एज इन हम लोग सी डी एफ को डिफ्रेंशिएट करें तो पी डी एफ आएगा इसका क्या मतलब है सी डी एफ हमने कैसे निकाला हमने पी डी एफ को इंटीग्रेट करा तो अगर हम सी डी एफ को डिफरेंस करें तो पी डी एफ नहीं आना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं है ना इंटीग्रेशन प्लस माइनस को कैंसिल करता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल करता है तो अगर दोनों साइड आप डिफरेंस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो ऑफ़ विल गिव ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये लिख लो ये पूरा रिजल्ट लिख लो ठीक है तो अब अगर मैं आप लोगों को ये दे दूं ठीक है इसका बोलने का क्या मतलब है कि आपका जो सी डी एफ है विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई ट्वेंटी सेवन फॉर ऑल द वैल्यूज बिटवीन दिस ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ऑब्वियस है जब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय ट्वेंटी सेवन ये रिप्रेजेंटेशन और ये ये बहुत ऑब्वियस है बट ये वाला हम भूल जाते हैं कि इट्स अ सेम ओनली कि जीरो के नीचे कुछ पॉसिबल नहीं है और थ्री के बाद जितना उसका सी डी एफ तो वन ही आएगा हम बोल रहे हैं कि वैल्यूज पॉसिबल नहीं है थ्री के ऊपर बट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू फोर इज वन एक्स लेस दैन इक्वल टू फाइव इज वन दैट इज पॉसिबल राइट दैट इज पॉसिबल ओके तो अब यहाँ से यूजिंग दिस कैन यू फाइंड आउट एफेक्ट्स हमने क्या बोला जस्ट डिफरेंस करना है एक्स को सी डी एफ को क्या हो जाएगा सो so, हमारा सी डी एफ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अगेन जीरो से थ्री ये लिखना इम्पोर्टेंट है गॉट इट ये लिखना इंपॉर्टेंट है देख लो अब नाउ यूजिंग दिस पार्ट यूजिंग द सी डी एफ ओनली नॉट यूजिंग द पी डी एफ कैन यू फाइंड अ फ्यू प्रोबेबिलिटी जैसे मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी एक्स लेज एन इक्वल टू वन निकालो प्रोबेबिलिटी X ग्रेटर देन टू निकालो ओनली यूजिंग CDF नॉट द PDF. C PDF वाला चीज हमने देख लिया पी डी एफ यूज करके निकालेंगे जीरो से वन PDF इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे टू से थ्री पी डी एफ इंटीग्रेट कर देंगे बट सी डी एफ इज ऑल्सो वेरी ना क्या करोगे लेस than इक्वल टू वन है ऑल दीज आर वॉट प्रोबेबिलिटीज दीज probabilities? गेस और नो सो वॉट कैन यू डू यू कैन जस्ट राइट येस और नो यहाँ पे ये वाला एक काम करो पीडीएफ से भी सॉल्व करके देख लो सेम आंसर आएगा बस एक बार करके देख लो ये आपका पीडीएफ है ये वाला भी सॉल्व करो ग्रेटर देन टू ठीक है नेक्स्ट वाला सॉल्व करो सीडीएफ यूज करके सॉल्व करना है पीडीएफ नहीं Caro sol. कैसे करेंगे बोलो कैन वी राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी टू से बड़ा इज सेम एज वन माइनस क्योंकि ये पूरा वन है या फिर ये मान लो पूरा ही वन है एक ही बात है इज सेम एज राइटिंग वन माइनस दिस निकालने बोला है विच इज सेम एज वन माइनस दिस पार्ट गेस और नो ये क्या होगा सेम क्या था टू क्यूब बाय सिक्सटीन आंसर फाइनल ठीक है क्लियर एनी डाउट नो नेक्स्ट करते हैं तो हमने पी कर लिया सी कर लिया कंटेनर्स का अब खाली वो जो जैसे हमने किया था ना डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसीज मीन मीडियन मोड वो कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ कंटेनस नॉट वेरी सिमिलर अलग है तो पूरा करना पड़ेगा नाउ हम लोगों ने मीन जब निकाला था तो मीन हमने कैसे निकाला था एक्स बार समेषन के केस में याद करना जब कंटेनअस शुरू में कंटेनअस का केस कर रहे थे तो उस समय हमने मीन निकाला था तो मीन को कैसे सॉल्व किया था बताना हाँ हमने इंट लेकर मिड पॉइंट लेके किया था ना एक्स इन उसका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी हाँ ऐसे लेके किया था विच इज सेम एज राइटिंग इफ आई से फॉर एग्जाम्पल म्यू म्यू इज सेम एज राइटिंग समेशन ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स दिस इज ऑल्सो सेम एज राइटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ठीक है ये था डिस्क्रीट केस जहां आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स मैं बोलती हूँ दस वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल है लेट्स सपोज तो आप सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करके उसे प्रोबेबिलिटी से ऐड कर दोगे ठीक है दैट्स अ डिस्क्रीट केस बट इन केस ऑफ कंटिन्यूस हम ऐड नहीं कर सकते वन आई एम सींग ऑल द वैल्यूज बिटवीन जीरो एंड फोर आर पॉसिबल यू कैन नॉट सिट एन एड इन दिस केस हाउ विल यू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन इंस्टेड ऑफ एडिंग वॉट डू यू डू एंड हम लोग के पास क्या होता है पीडी हम लोग के पास प्रोबेबिलि अच्छा ये भूल से भी कभी जिंदगी में इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मत बोल देना दिस इज जस्ट अ दिस इज अ करेक्ट दीज टू आर नॉट द सेम पीपल समटाइम्स यूज इट इंटरचेंजेबली बट दैट्स रॉन्ग नहीं कर सकते ठीक है सो दिस फॉर ऑल एक्स नहीं उसका जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है हमेशा मतलब कभी पढ़ सकते हैं कभी नहीं दैट डिपेंड्स एक्स इंटू एफ एक्स एफ एक्स इज इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हो यस और नो यस और नो क्लियर है क्लियर है ऑल ऑफ यू ऑल क्लियर ठीक है लिख लो इसको एग्जाम करो ये मैं दे रही हूँ आप लोगों को ऑल द वैल्यूज़ ग्रेटर देन वन ना पॉसिबल ये मैं आप लोग को दे रही हूँ एक पी इसका मुझे एक्सपेक्टेशन या फिर मीन निकाल के बताओ मीन माइनस हो सकता है बट पॉजिटिव वैल्यूज का मीन माइनस कैसे होगा यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वन लिखा है मैंने मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इज पॉसिबल ग्रेटर देन वन तो पॉजिटिव वैल्यूज का मीन कैन नेवर भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज का एवरेज नेगेटिव कैसे हो सकता है तो कैसे निकालेंगे इसको क्या लिखा था आपने फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑल हम लोग जब मीन निकालते समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ही तो करते हैं ना ये होगा तो यहां पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या पॉसिबल है वन से पूरा इन्फिनिटी एकदम लास्ट तक तो वन से इन्फिनिटी एक्स इन टू बाय एक्सक्वायर हो गया टू बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता है सेम एज राइटिंग अगर आपको जो भी अप्रोच पसंद है वन लिखा था कि ग्रेटर देन माइनस वन लिखा था मैंने ग्रेटर देन वन ही था शायद हाँ वन ही तो है बोलो माइनस टू ठीक है माइनस माइनस प्लस टू बाय इन्फिनिटी एनी थिंग बाई इन्फिनिटी इज जीरो एनी थिंग इनफिनिटी इन्फिनिटी इज मतलब आप क्या करो आप कोई भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो देगा ना आपको एक छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो के क्लोज आएगा दिस इज जीरो ऑब्वियसली सो जीरो प्लस टू मीन इज टू वेरी इजी क्लियर है अब अगर मैं बोल सब कर लिया था कॉपी अब अगर मैं बोलूँ मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन सेम जो हमने डिस्क्रीट के केस में किया था एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स माइनस वन सेम आना चाहिए टू इन टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस वन बट उसको प्रूव करते हैं दिस इज सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी थिंग ज मैंने वहाँ क्या लिखाया था समेशन ऑफ समथिंग इंटू प्रोबेबिलिटी वैसे ही यहाँ पे ऑफ समेशन यूजिंग एन इंटीग्रेशन सो एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दैट समथिंग इज टू एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स अब मैं इसको एकदम कट शॉर्ट कर रही हूँ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स अब यहाँ पे भी ये टू का कोई रिलेशन नहीं है एक्स से यहाँ पे मैंने डीएक्स लिखा है वेरिएबल इज एक्स तो टू बाहर आ जाएगा टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ एक्स डी एक्स क्या होता है ये वाला क्या होता है और ये क्या कर रहे हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेन यू इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स यू आर एडिंग ऑल द पी डी एफ इट गिव यू वन ठीक है सेम एज डिस्क्रीट केस ठीक है ना? इसको प्रूफ करो विथ स्लाइड मुस्कान यू वॉन्ट टू शो सी which तुमने कब मैसेज कौन सा स्लाइड देखना है मुस्कान एक बार प्लीज़ बोलो दिस वन या इसके पहले वाला यस मुस्कान दिस वन की इसके पहले वाला आप लोग बाकी लोग सॉल्व करो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो गया क्या लॉग कहीं नहीं आएगा लॉग कहीं नहीं आएगा अलग ही इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे तुम पता नहीं भूल इंटीग्रेशन डिफरेंस वेरी गुड इशिका ने प्रूव कर दिया है अब देखो इसमें <coughs> कहां से कहा वैल्यूज पॉसिबल है है हाँ ना इसको और इसको ब्रेक कर दो बाहर चला गया बिकॉज उसको एक से फर्क नहीं पड़ता यह होगा यहां तक ये यह पार्ट अगर लिख लोगे फिर तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो एक्स स्क्र एक। दिस इज सेम एज ये होता है ना सबको स्क्वायर करके जैसे आपने डिस्क्रीट में किया है वैसे ही वहाँ प्रोबेबिलिटी था यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ख़त्म माइनस और ये खाली पॉसिबल है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ़ एक्स अगर कुछ पार्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ़ एक्स होगा उसके लिए नहीं होता मीन पूरा तो ये क्या हो जाएगा टू इन टू अब अगर मैं यहाँ पे दे दूँ एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर तो उसको ब्रेक करके भी आप लोग कर सकते हो अब आप लोग को समझ आ गया आप लोग कर सकते हो एनी डाउट देख लो मीडियन करेंगे देन वी लेंट द क्लास मीडियन नेक्स्ट क्लास करेंगे ये रिवाइज करके आना तो कर सकते हैं मीडियन कर लेते हैं खाली ये वाला हो गया क्विकली लेट्स डू मीडियन ओनली मीडियन क्या होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू मिडिल मोस्ट वैल्यू का क्या मतलब है उस वैल्यू के राइट साइड एंड उस वैल्यू के लेफ्ट साइड फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट वैल्यूज है तभी वो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल इफ आई से यहाँ पे मेरे मैं बोल रही हूँ जीरो से फोर तक के सारे वैल्यूज ऐसे करके पॉसिबल हैं तो एक जो यहाँ से लाइन कटेगा मीडियन का वो ऐसा होगा जो यहाँ पे जो यहाँ पे पॉइंट फाइव फिफ्टी परसेंट वैल्यूज एंड यहां पे पॉइंट फाइव फिफ्टी परसेंट वैल्यूज पॉसिबल होंगे मुझे ये मीडियन निकालना है एम तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एम और प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हो क्योंकि कंटेनर्स केस में आप ग्रेटर देन लिखो या इक्वल टू लिखो फर्क नहीं पड़ता एम से छोटा या एम से बड़ा शुड बी पॉइंट फाइव नाव इन आर केस जहां हमारा पी दिया हुआ है कुछ नहीं लिया ना एग्जाम्पल एक ले लेते हैं लेट्स एफ एक्स लेट्स टू एक्स ठीक है सो लेट्स सपोज एफ एक्स टू एक्स जीरो से वन के बीच में ठीक है अब इस केस में इस केस में वॉट इज माई मीडियन जीरो से वन सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं अनदर थिंग हैव आई शोड यू ऑल दिस थिंग हैव वी डन दिस थिंग इसको अगर सॉल्व करना हो ऐसे सॉल्व करेंगे ना िटी एक्स लेस देन इक्वल टू टू पॉइंट एट था जीरो से टू पॉइंट एट प्रोबेबिलिटी ग्रेटर था वन से थ्री ऐसा करके किया था हमने जो भी लोअर मोस्ट लिमिट है जो भी अपर मोस्ट लिमिट है कीपिंग दैट एंड टू कंसिडरेशन ठीक है ए एंड बी कैन बी एनी थिंग बिटवीन जीरो एंड वन तो यहां पर अब एम निकालना है मतलब ये सॉल्व करना है तो कैन इट बी लिमिट्स बताना कहां से कहां जाएगा लोअर मोस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है और अपर मोस्ट वैल्यू क्या होगा वेरी गुड एम होगा ये एम होगा ना प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज दिस लोअर मोस्ट वैल्यू वॉट एवर निड नॉट बी जीरो निड नॉट बी इट कैन बी एनी लोअर मोस्ट वैल्यू हम लोग के डेटा के अकॉर्डिंग गोट इट अंडरस्टूड टू यहां पे दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तभी वो एम इज द मीडियम लेस देन तभी मीडियम इज पॉसिबल नाउ कैन यू सॉल्व फॉर एम यहाँ आप लोग को एफ एक्स की जगह पे टू एक्स लिखना है सो टू एक्स जीरो से एम जीरो पॉइंट फाइव करेंगे रुको मैंने भी अच्छा अच्छा हाँ सॉरी <laughs> करो करो तुम लोग करो क्या आएगा इंटीग्रेट करके जीरो पॉइंट ठीक है इसको थोड़ा इंट्यूटिवली समझते हैं अगर थोड़ा अगर इसको ना इंट्यूटिवली समझे इधर मैं बना रही हूँ डेंसिटी 2x है वैल्यूज बिटवीन ज़ीरो एंड वन ही पॉसिबल है तो जब जीरो डालेंगे तो क्या आएगा एफ एक्स जब वन डालेंगे एफ एक्स क्या आएगा टू जब वन डालेंगे तो एफ एक्स टू आएगा पॉइंट फाइव डालेंगे इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस आप लोग डाल के देख लेना पॉइंट टू फाइव ले लेना ऐसे कर करके दस पंद्रह वैल्यूज लेना इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वाई इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट जस्ट अ लीनियर टू एक्स ठीक है तो हमने निकाला एक एम समवेयर यहाँ पे जीरो पॉइंट ये वाला जो हम बोल रहे हैं अच्छा यहाँ तक हम बोल रहे हैं ये जो हमारा वन है इसके अंदर का जो पूरा एरिया है इज इक्वल टू पूरा वन इसके अंदर का जो पूरा एरिया है इज इक्वल टू वन पी पी डी एफ डेंसिटी के अंदर जो एरिया आता है वो वन आता है पूरा और ये जो आपका एम कटा इसके नीचे का पूरा एरिया इज़ और इसका पूरे ऊपर का एरिया इज़ आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रपीजियम है कभी एरिया ऑफ ट्रपीजियम ट्रपीजियम इज टू पैरल साइड्स, वन परपेंडिकुलर। ये एक ट्रपीजियम है ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्रपीजियम है क्या होता है हाफ सम ऑफ़ पैरेलल साइड्स? इन टू हाइट एंड दैट हाइट इज दिस हाइट तो करने नहीं बोल रही हूं बट अगर करोगे ना इस तरीके से तो भी आप लोग का आंसर सेम आएगा जैसे मैं आप लोग को बताती हूं uh, थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड अगर हम लोग इसको करना चाहें वट आई एम ट्राइंग टू से ये एक एरिया ऑफ ट्रपीजेम है इस एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हाफ इंटू हाइट इंटू विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ हाफ इंटू हाइट ये वाला होगा जीरो पॉइंट क्या होगा हाइट ये हाइट होगा ना यहाँ तक और ये वाला मतलब ये विथ हो गया ये हाइट हो गया whatever. तो ये हाइट क्या है समथिंग है वो तो ग्राफ पे डाल के दैट शुड बी इक्वल टू पॉइंट फाइव एंड दिस शुड बी इक्वल टू कैसे पता चलेगा हाइट ये एफ एक्स है तो इधर डालो ना इधर डालो ये एफ एक्स आप अगर मैं बोलूंगी ये वाला निकालने तो आप क्या करोगे दिस इज एफ जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन वन वन ना डाल के बताओ टू इंटू सेवन पॉइंट सेवन जीरो सेवन वन वन क्या आ रहा है पूरा बोलो सॉल्व करो क्या आ रहा है somewhere very close to 0.5 exact nahi because aapne decimals mein liya hai 0.5 aa raha hai hence proved Hence proved. ये हमने कैसे निकाला 1.414 ये x का value है तो f(x) एक्स क्या होगा ये वाला भी करके देख लो हाफ इन टू समल साइज ये दोनों विच इज वन पॉइंट फोर वन फोर टू टू प्लस ये वाला इज टू इंटू इसका ये वाला गैप विच इज वन माइनस जीरो पॉइंट जो भी आएगा जीरो पॉइंट टू समिंग हम्म वन माइनस दिस थिंग करो ना वन माइनस जीरो टू नाइन दिस विल ऑल्सो बी जो इंट्यूटिव है नॉट रिक्वायर्ड मेन थिंग इज आपको ये आना चाहिए कि मीडियम कैसे निकालते हैं मोड नेक्स्ट क्लास करेंगे थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट है ये वाला आप लोग को क्लियर है ठीक है इसको पूरा लिख लो एंड बना लो Thank you so much. Bye bye.